अरे नहीं यार, नहीं यार, तूने लास्ट टाइम भी यही किया था और मैं मूवी नहीं देख पाई थी। अरे हम तो वैसे भी नहीं जा सकते। क्यों? अरे सिनेमा हमारे फूफा जी का तो है नहीं, स्कूल ड्रेस में हमें कोई एंट्री तो देने नहीं वाला। अरे तो तू एक ड्रेस एक्स्ट्रा लेके आना ना। अरे यार मैं ये कह रहा हूँ कि फिर कभी चल लेंगे, कितनी मूवी बनती है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, कभी कोई और देख लेंगे। कनव देख, आज नहीं तो फिर कभी और नहीं, और ढूंढ लियो अपने लिए कोई और स्त्री, मैं किसी और से सेट हो जाऊंगी। इमोशनल ब्लैकमेल, कांट बिलीव। ब्लैकमेल नहीं, सच कह रही हूँ, तेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मूवी देखने चल या तो ब्रेकअप। अरे यार सुनो तो। और हाँ, बाइक लेके आई हूँ मैं, ऑटो में नहीं जाऊंगी, बेइज्जती होती है मेरी, मेरी फ्रेंड्स हंसती है मेरे ऊपर। बाइक कैसे? मुझे नहीं पता, एक घंटे में रेगुलर पॉइंट मिलना, नहीं आया तो मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी, बाय। अरे सुनो तो। बेंचो सही लवली टॉमी बना रखा है इस रिलेशनशिप ने मुझे, मैडम कहे भौंको तो भौंको, मैडम कहे चलो तो चलो। चलो बंद गया पट्टा, देखो बंद गया कुत्ता, बंद गया पट्टा, देखो बंद गया कुत्ता। हाँ हाँ दे ले, तू भी ताने दे ले, तू कहाँ पीछे रहेगी यार। कौन हो, तेरी हालत बिल्कुल पिंटू अंकल जैसी है। अबे अब ये कौन सी बवासीर है? अबे वो पिंटू अंकल है ना सीमा जी वाले, उनकी हालत भी बिल्कुल तेरे जैसी है। कैसे? पहले आशिकी, फिर उसके साइड इफेक्ट। किसी महान व्यक्ति ने लिखा है, प्यार एक खूबसूरत एहसास है, प्यार एक खूबसूरत एहसास है, ये लाइन कितनी बकवास है। अबे साली अब तो मेरी लेती रहेगी या कुछ इलाज भी बताएगी? इस मर्ज की दवा तो एक ही है, गेट अ बाइक बिफोर सी कम। अबे पर बाइक कहाँ से लाऊं? एक काम कर, तू उस दल्ले को कॉल लगा, वो ही तुझे बाइक दे सकता है। अबे वो चिंदी चोर मुझे कहाँ से देगा, उसकी खुद की हालत तो कटोरा पकड़ के भीख मांगने जैसी हो रही है। भीख का कटोरा तो फिलहाल मुझे तेरे हाथ में नजर आ रहा है, इसलिए कॉल है। अबे सुन। हाँ बक। अबे तमीज से बात नहीं होती क्या तुझसे? अरे बोल ना। कहाँ है? स्कूल जा रहा हूँ। बाइक चाहिए तेरी, सेटिंग को डेट पे लेके जाना है। ले लियो, लेकिन पेट्रोल डलवा दियो, और चालान हुआ ना तो तेरे सर मंड दूंगा। अरे कोई ना भाई, एक काम कर, गली नंबर 4 पे आ जा। थैंक यू सो मच भाई। चल अब चाट मत चूते। अब यार एक प्रॉब्लम हो गई, अगर पैसे पेट्रोल में दे दिए तो उसे घुमाऊंगा कैसे? भीख का कटोरा का देना तेरे हाथ में, ये ले UPI कर दिया, मौज करियो फिर वापस कर दियो। कौन से? अरे ये वाले। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। चल अब हराम खोर। अबे तुम दोनों का पैर चल रहा है क्या? हैं? नहीं यही कह रहा था कि सेटिंग को लेने जा रहा हूँ और साथ में तू है। अबे लौड़ू ये नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड तो तनु है। तो वो कहाँ है? अबे रेगुलर पॉइंट पे खड़ी है। तो तू यहाँ इसके साथ क्या मंत्र जाप कर रहा है? अबे लौड़ू ललित पीछे हो चल। क्या बवाल है? मतलब मैं नहीं जा रही इन लोगों के साथ। अरे तेरी सेटिंग के तो बहुत ड्रामे हैं। अरे ये दोनों नहीं जा रहे यार। तो कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरी माँ, ये दोनों स्कूल जाएंगे और हम दोनों डेट पर। तो साथ ही क्यों आए हैं? हे प्रभु। भाई वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, हम दोनों चलते हैं। वही मजनू, स्कूल खत्म होने से पहले आ जाना, कहीं तेरे चक्कर में मेरा बापू मुझे सूद दे। अरे बिल्कुल यार। अरे चलो ना यार, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। तो इसी बात पे एक शायरी सुनो। हाँ भैया सुनाओ। अर्ज किया है इसाद के, अजीब सी हालत हो गई है तेरे जाने के बाद, अब तो भूख भी नहीं लगती खाना खाने के बाद।
मेरे पास दो ही समोसे थे जो मैं पहले ही खा चुका हूँ, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। वाह भैया जी वाह, आपके शायर सुन के मुझे तो प्यार कम भूख ज्यादा लग गई। चल साले बकैती खोर, भैया जी आपकी शायरी में तो बहुत दर्द था। दर्द हुआ? अबे चमन चूतिया उसे कॉमेडी शायरी बोलते हैं। एक और ये है भैया जी जिनको बेकार में ही दर्द फील हो रहा है। हाँ हाँ भैया, मैं तो हूँ चूतिया और सारी समझदारी तो इसी में भरी हुई है, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया हुआ है? अरे मेरी जान, बुरा क्यों मान गई, और मान भी ली तो मेरा क्या उखाड़ लेगी? बट बुरा मत मानना, हम दोनों तेरी फिरकी ले रहे थे। भैया देख लो, ऐसे चलता रहा ना तो मैं अपना डिब्बा चेंज कर लूँगा, फिर रोते रहना बैठ कर जितनी मर्जी हो। अबे वो चोचू के मुरब्बे बहुत हो गए तेरा इमोशनल ड्रामा, ठीक है लुगाई साड़ा। उठाइए ना। मैं तुझे क्या हुआ? ओ भैया कॉलर। हेलो, क्या कब? अरे बेटा जान ले, अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो तेरी मार मार के पिछवाड़ा लाल कर दूंगा भोंसड़ी के। बे क्या हुआ भैया? मैं बोलना भैया, वो भाभी उसके साथ में मोटरसाइकिल पे बैठ के मूवी देखने गई है चिपक के। भैया जी आप बोलो तो अब स्कूल की दीवार टाप के चला जाऊं कुछ लड़के लेके। अरे भैया जी सब जानते हैं तन्नू को आप कितना चाहते हो, फिर भी उस साले की हिम्मत तो देखो। कनव ये तूने अच्छा नहीं किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। अब अगली बार कहाँ घूमने जाएंगे? अरे अब बस कर, अब पढ़ने पे ध्यान देते हैं वरना इस बार पक्का लटक जाएंगे। एक कहानी सुनाए, एक तो राजा एक थी रानी, बीच में आया वीरन, इनकी खराब हो गई कहानी। सही कह रहे हो भैया जी, इस राजा को तो अब मारना ही पड़ेगा, लगता है तभी ये रानी आपकी हो पाएगी। बॉयस टेक इट इजी, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। पर लातों के भूत बातों से नहीं मानते कनव। तुझे मैंने कितनी बार बोला है मेरे आगे पीछे मत घूमा कर, मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत अपमान कर दिया तू मेरा, अब तेरे की एक सजा ये भुगतेगा। थैंक यू यार। साले दोस्त को थैंक यू बोल रहा है, मैडम इंग्लिश सिखा रहे तेरे को।
अच्छे लगते हो तुम दोनों साथ में, हमेशा साथ रहना, और इस लड़ाई का वरना कोई मतलब नहीं रहे। इन जैसे 36 को तो मैं अकेले देख लूंगा। अच्छे दोस्त है तुम्हारे। चल बहुत हो गया, पैसे वापस कर मेरे। कौन से पैसे? अच्छा वो, अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। अबे तू गया नहीं अभी तक? हाँ भाई अभी तो गया नहीं तू पेपर देने। हाँ हाँ बहुत बुद्धि है ना मुझमें, जो अकेले चले जाओ। और तुम दोनों अभी तक कहाँ थे? अरे हमें रास्ते में कुछ काम था, वहीं अटक गए थे। अच्छा जी। ले इसी यकीन नहीं हो रहा, बताइयो। अरे यार तू छोड़ यार, तू लाया है क्या? अरे फर्रे वो। अच्छा हाँ हाँ लाया हूँ। अच्छा कहाँ दिखाइयो? अरे चूचू के मरब्बे, चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दे। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन बता दियो नहीं फेल हो जाऊंगा। अरे क्लास में तो चल फिर बता दूंगा कसम। मैं कमिन मैम। नो नो। चल भाई मजे आगे, वापस चलते हैं। चल चल थोड़ा सुस्त है। अरे रुको बदतमीज, ये कौन सा टाइम है आने का? सुबह 10 बजे ठीक। इंग्लिश के पेपर में। इंग्लिश का पेपर और वो भी 10 बजे? एग्जाम तो 9 बजे स्टार्ट होती है और तुम 10 बजे आ रहे हो, इडियट्स। इडियट्स ये मैम को बताइए हम कितने जीने से। लेकिन अकल से पैदल हो, टाइम तो सिर्फ 1.5 घंटे रह गया है। 1.5 घंटा? ये क्या बात कर दी मैम, 1.5 घंटे में तो सुनामी आ जाती है, हम पेपर नहीं कर सकते। अरे पता नहीं मैं तुम्हारे मुंह ही क्यों लगती हूँ। तो मत लगो ना। ज्यादा शानपति नहीं मुर्गा बना दूंगी। चलो अपनी अपनी सीट पर। थैंक यू मैम। मैम मैं कहाँ बैठू? तो बेटा आगे आके बैठ मेरे नजरों के सामने। मैम मैं नहीं बैठ रहा आपके पास। क्यों? मैम मैं पीछे ही बैठ जाता हूँ ना। तो क्या उसके सर पे बैठेगा? चल आगे आके बैठ। भाई इसका तो कट गया। सही है बेंचो, चलो अपन शुरू करते हैं। साइलेंस, नहीं तो बाहर कर दूंगी। शांति से पेपर लिखो डफर। टीचर मे आई कम इन? यस। मुस्कुरा क्यों रहा है? तुम टॉपर हो ना? हाँ क्यों? मैं भी टॉपर हूँ, बस थोड़ा नीचे। अच्छा तो मैं क्या करूँ? थोड़ा मुझे अपना पेपर दिखा दो प्लीज। ओए माँ। I hate cheating। मैं नहीं दिखा रही, खुद से क्यों नहीं पढ़ के आए? मैंने कुछ और बंदोबस्त बनाया था, वो बिगड़ गया, तो मुझे पास होने लायक तो भी पेपर दिखा दो। ठीक है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए? अरे बोलना। उज्जवल का नंबर। व्हाट द फक? सीधा बैठ। अच्छा अच्छा ठीक है, अब पेपर तो दिखा। टाइम्स अप, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। थैंक यू। साले ये मां का बोल पूरा मार दे। अरे भाई 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 थैंक यू। थैंक यू टू लो, इसका खूब दिमाग चाटना। श्योर बाय। भाई मैं कुछ समझा नहीं, मैं समझ जाऊंगी। अरे बता ना यार। समझ जाऊंगी। अरे बता ना। वैसे समझ जाऊंगी।